नागरिक अस्पताल सेक्टर 6 पंचकुला पर पहले ही इलाज के दौरान लापरवाही के बाद मरीज की मौत के आरोप लगे थे, जिसके बाद अब मृतक महेश के भाई कन्हैया द्वारा अस्पताल प्रबंधन पर दोषियों को बचाने की साजिश करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। पंचकुला के इंदिरा कॉलोनी निवासी महेश की गत 18 मई को नागरिक अस्पताल सेक्टर 6 पंचकुला में इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया था और परिजनों की मांग थी कि इलाज में लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही उनकी मांग थी कि मौत के बाद महेश का पोस्टमार्टम नागरिक अस्पताल सेक्टर 6 पंचकुला की बजाय किसी अन्य अस्पताल में कराया जाए, जिसको लेकर बड़े हंगामे के बाद महेश का पोस्टमार्टम इसी अस्पताल में किया गया, जिसके बाद अब परिजनों द्वारा कई अन्य तरह के आरोप भी एक बार फिर अस्पताल प्रबंधन पर जड़े जा रहे हैं। मृतक महेश के भाई कन्हैया ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप जड़ते हुए कहा कि PMO डॉक्टर सुवीर सक्सेना द्वारा मीडिया को दिए एक बयान में यह कहना कि शुरुआती जांच में उन्हें लगता है कि महेश की मौत ब्रेन हेमरेज की वजह से हुई हो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए उन्हें 7 दिनों का समय दिया गया था, लेकिन अब उन्हें अस्पताल व पुलिस विभाग से अलग अलग समय देने को कहीं न कहीं एक बार फिर मौत के बाद इंसाफ दिलाने में लापरवाही बरतने के साथ साथ दोषियों को बचाने का काम किया जा रहा है। ऐसा आरोप लगाते हुए परिजनों ने इस बात को लेकर अब गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से इस मामले को लेकर इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई है। आज आपने हम लोग को बुलाया है, आपको जी इसलिए बुलाया है जी, अभी PMO का जी बयान आया था अभी इंटरव्यू के द्वारा जी, अभी पत्रकारों से इंटरव्यू दिया था जी उन्होंने कि मेरे भाई को ब्रेन हेमरेज था जी। अगर ब्रेन हेमरेज था मेरे भाई को जी, मेरा भाई चल के आया था जी हॉस्पिटल में और चल के उसने अपनी पर्ची खुद कटाई है जी आके और कटा के जी अपना इलाज खुद कराया, तो PMO साहब को जब ब्रेन हेमरेज था तो उसका CT स्कैन MRI क्यों नहीं कराया गया जी पहले, और बिना एंड और डॉक्टर कुछ अपना PMO ने ये भी कहा जी, कुछ हमारे यहाँ सीखने आते हैं बच्चे, सीखने आते हैं एंड ट्रेनर से ही मेरे बच्चों का मेरे भाई का इलाज कराया गया है जी, अगर एंड ट्रेनर लोगों से इलाज कराया जाएगा तो ऐसे ही होगा जी लोगों के साथ हमारे साथ जी, कोई डॉक्टर ढंग का है नहीं जी वहाँ पे जी। तो फिलहाल अभी आपको दिक्कत क्या है, फिलहाल जिस तरह से आपने बताया कि PMO ने ब्रेन हेमरेज की बात बताई, हाँ जी, तो वो तो टेस्ट अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है अभी तक। अभी जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जी आई नहीं, उन्होंने अपने आप ही बता दिया जी कि मेरे भाई के ब्रेन हेमरेज था और BP ज़्यादा थी, बिना जांच पड़ताल करे जी उन्होंने ऐसे ही बता दिया है जी। अभी अब क्या कर रहे हैं आप लोग इसके लिए? तो मैं इसके लिए जी काम मैं कार्रवाई चाहता हूँ जी डॉक्टरों के ऊपर कि वो सारे के सारे डॉक्टर सस्पेंड किए जाएँ, उनको बर्खास्त किया जाए नौकरी से, और मुझे इंसाफ चाहिए जी। मैं हर जगह पे जी मैं जी भागा भागा फिर रहा हूँ, कहीं अनिल मंत्री जी के पास फिर रहा हूँ, कहीं फिर रहा हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए जी। हर जगह मुझे जाना पड़ रहा है, किराया भाड़ा खर्च करने पड़ रहा है, मुझे कोई जी पैसों का लालच नहीं, किसी चीज़ की लालच नहीं है जी, मेरे को बस एक इंसाफ चाहिए कि जितने इसके गुनाहगार हैं सबको बर्खास्त किया जाए और मुझे इंसाफ मिले जी। पोस्टमार्टम तो खैर आपकी रजामंदी से पोस्टमार्टम वहाँ पर हुआ था, पोस्टमार्टम जो कराया उसके बाद रिपोर्ट आने का इंतजार करिए, उसके बाद ही कुछ एक्शन लेंगे कि पहले एक्शन ले लोगे आप? नहीं नहीं, रिपोर्ट आने सर मैंने कहा था पहली बार तो सर मेरा पोस्टमार्टम मेरे भाई का इस हॉस्पिटल में होना नहीं था, मेरे ऊपर जी सर दबाव जी बहुत डाला गया था जी कि SSO अपना कह रहे थे अगर आप यहाँ आप अगर पोस्टमार्टम नहीं कराओगे तो हम 50 बुलाएंगे, 50 के 100 बंदे बुला लेंगे अगर आप पोस्टमार्टम यहाँ नहीं कराओगे आपको अंदर, और हाँ आपको हम अंदर करवा देंगे। एक और थे SSO साहब थे, एक तो वो मुझे बार बार धमका रहे थे जी इस चीज़ में कि आप 3 दिन बाद आपकी कार्रवाई गई आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी आप लोगों के ऊपर। इस तरह बता रहे थे, मैं आपके फ़ोन पे एक बात बताई थी कि आपको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 7 दिन देने के लिए बोला था, आप 15 दिन का बोल रहे हैं, कोई 1 महीना बोल रहा है, कोई 3 महीना बोल रहा है, वो क्या बात थी? सर ये मुझे लारे लप्पे में सर रखा जा रहा है, पहले तो सबसे पहले बोला था कि 7 दिन में आपकी रिपोर्ट आ जाएगी जी, और 7 दिन में रिपोर्ट आने के बाद आपके जो भी बनेगा वो कार्रवाई हम उनके ऊपर डॉक्टर के ऊपर करेंगे जी। और दूसरे लोगों ने बताया जी इस पटरनी के जहाँ में रिपोर्ट लेने का, कहते 1 से 1.5 से 3 महीने में रिपोर्ट आ जाएगी, तो हमें जी धोखे में रखा जा रहा है जी हमें। तब क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील ये करना चाहता हूँ जी मुझे इंसाफ चाहिए, जल्द से जल्द रिपोर्ट आए जी, और जिन डॉक्टरों ने इसका एंड ट्रेन लोगों ने मेरे भाई का इलाज किया है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए जी, मेरी दरख्वास्त यही है जी।